हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 25 यहाँ पे जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका दिया गया देवी माता की पूजा संबंधित है, तो चारों ऑप्शन को देखिएगा। देखो 26 का यहाँ पे सी ऑप्शन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है, जो देवी माता की जो पूजा संबंधित है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो देखो चार ऑप्शन को देख के बताइएगा। तो 27 का ए ऑप्शन, 1857 ईस्वी में विद्रोह की पहली जो गोली चलाई थी बैरकपुर में चलाई थी मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में, ठीक है। और पहली गोली किस पे चलाई थी, तो आपको याद कर लीजिएगा, मेजर सांजरेट ह्यूसन पर, ठीक है, चलाई थी। किस पर चलाई थी, मेजर सांजरेट जो थे, मेजर सांजरेट ह्यूसन पर चलाई थी, इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। 28 का यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित, मतलब कि छोड़ दिया गया था असहयोग आंदोलन को, ठीक है, स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका, 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी को 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलो भाई, लेकिन असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था किस लिए, चोरी चोरा कांड में हिंसक घटना कारण, क्योंकि एक ही पुलिस स्टेशन में काफ़ी पुलिस लोगों को मार दिया गया था, यही सब था, ठीक है, आग जला के वहाँ पे, ठीक है। चलो वो सब हटाइए, डी ऑप्शन राइट है, ये चीज़ याद रखिएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो 29 नंबर का जो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, मैक्सिको हो जाएगा। भूमध्य रेखा है जो किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो कैना इंडोनेशिया ब्राज़ील से होकर गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अब अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर यहाँ पे। माउंट बला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, 30 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी आल्प्स, ठीक है। जो माउंट बला है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपकी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो 31 नंबर प्रश्न है। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सतलज यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, हिमालय से परे की नदी है, जो आपका सतलज यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 31 का सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षा से कृषि कार्य बिना अधिक खाद हुए चलता रहा है, 32 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, काली मिट्टी और कछाड़ी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उससे, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, 33 नंबर का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, लखनऊ, डी ऑप्शन राइट है, इसको पढ़ लेना। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया वन आच्छादन के काम होने के कारण क्या है, बताइए, 34 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन बताइए इसमें क्या होगा, यहाँ पे केमिकल या कम होने के कारण, कमी होने के कारण क्या है, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न है, तो इसका सी ऑप्शन बढ़ती हुई आबादी, ठीक है, ये बढ़ती हुई आबादी कारण जो वन क्षेत्रों में बढ़ती जो वन जो हैं वो आपके कम पड़ रहे हैं, ठीक है, कमी हास हो रही, कमी हो रही, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के कारण। चलो अगला देखते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन होता है, बराबर वालों में पहला होता है, तो देखो 35 नंबर प्रश्न है आपका, जो प्रधानमंत्री राइट ऑप्शन होगा बी। अगला दिया, कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या होती है, कीमत वृद्धि के प्रभाव से जो वास्तविक मजदूरी होती है दोस्तों वो आपकी क्या होती है, घट जाती है। अगला प्रश्न दिया, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उसका उस पर कितना उत्पादन बल लगेगा, ठीक है, उत्प्लावन बल लगेगा, तो लकड़ी के बाहर के बराबर लगे, कम से कम आपका लकड़ी के बाहर के बराबर तो आपका लगेगा ही, 37 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने वो क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है, उत्प्लावन बल बराबर होता है VDG, ठीक है, तो यहाँ पर DG क्या होता है, m/VG होता है, तो V बराबर VV कट गया, बचा क्या, MG केवल बचा, तो उसके भार के बराबर होता है, मतलब भार के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि F बराबर MG होता है, पढ़ा होगा, तो MG यहाँ भार होता है, तो भार के बराबर होता है, ये चीज़ें आप सीधे याद कर लो ज़्यादा सही, ठीक है। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, मानव शरीर का जो साधारण तापमान होता है वो आपका होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो इतना ही होता है, 36.9 या फिर कभी कभी 37 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, ठीक है। और अगर फॉरेनहाइट में आए तो, अगर फॉरेनहाइट में आता है तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अगला दिया गया, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है, 39 नंबर प्रश्न है, इसका जो बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन राइट है,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। काला अजार ज्वर का संचरण होता है। 40 नंबर प्रश्न दिया है तो सिकता मक्खी कटने से, सिकता मक्खी के काटने से होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलो 41 नंबर, रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है, रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो करती है, जो रुधिर दाब का जो नियंत्रण है एड्रिनल ग्रंथि करती है या फिर अधिवृक्क ग्रंथि उनको कहते हैं, उन्हीं को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणी, देखो चार ऑप्शन को आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो वृक्षवासी हो जाएंगे वृक्ष के तनों पर रहने वाले। जी जो 15 होता है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह ग्रुप का है, देखो चार ऑप्शन को देखिएगा, 43 का बी ऑप्शन विकासशील देशों का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, नोबेल पुरस्कार जो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इतिहास लेखन में कहाँ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार जो आपका, चिकित्सा शास्त्र भौतिक शास्त्र साहित्य में दिया जाता है लेकिन इतिहास लेखन में नहीं दिया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था, सेंचुरी लगाने वाला, चलो तो 45 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, तो लाला अमरनाथ थे, तो 45 का सही ऑप्शन आप लोग देख लेना। अगला ठीक है, 118 रन वैसे बनाए थे इंग्लैंड को, ठीक है चलो अगला दिया गया है, भारतीय क्रिकेटर थे ठीक है वो। अगला दिया गया है UN जनरल असेंबली के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, 46 का यहाँ पे ए पार्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी। 7 आश्चर्यों की नई सूची में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया, तो 47 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो ए पार्ट है रोमन कोलेसियम इटली को, जो इटली के निवासी। अगला दिया गया भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो आपका 48 का सी ऑप्शन देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है 48 का जो सी ऑप्शन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी को हुई थी, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक है। अगला दिया गया किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, 49 नंबर का बी ऑप्शन कन्फ्यूशियस को, भाई इसको प्लीज़ याद कर लेना ठीक है ठीक है। चीन के महान समाज सुधारक व दार्शनिक थे, इनको कन्फ्यूजन ठीक है, और इन्हीं को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, क्योंकि इस इन्हीं के नाम पर चीन पर क्या है कन्फ्यूजियम धर्म चलाया गया था। अगला दिया कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं ठीक है। SSC सीजल के लिए मैंने आज आपको टॉप 25 यहाँ पे GK GS के फुल प्रैक्टिस सेट कराया दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है। और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बता दीजिएगा, इसी तरह और प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, लेकिन चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।